हां जी ट्वेल्थ क्लास आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन और मैं आपसे तीन सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूं आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी सेक्शन डी जिसमें आपने फाइव मार्कर्स क्वेश्चन फेस किए थे फोर क्वेश्चन आपको करने थे राइट चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इफ ए इज दिस मैट्रिक्स बी इज दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी एंड यूज इट टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ठीक है ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है फिर इस सिस्टम को सॉल्व करना है अब ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो आई थिंक आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ मैं आपको क्लियर कट ध्यान आ जाएगा कि ए बी आईडेंटिटी का कुछ मल्टीपल होगा ठीक है आई जस्ट वॉन्ट टू से ओके चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है माइनस थ्री टू टू माइनस टू वन वन माइनस फोर टू थ्री मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है वन माइनस जीरो टू माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस टू वन ठीक है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया माइनस थ्री प्लस फोर जीरो माइनस थ्री प्लस फोर मीनस वन ये पहला एलिमेंट ही वन आ गया जिसने आपको बता दिया कि ये डायग्नल के एलिमेंट सारे वन आए और क्योंकि ये आइडेंटिटी का मल्टीपल है तो ये बाकी सारे एलिमेंट जीरो आएंगे आप चेक करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो बट ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है ठीक है आपके पास शॉर्टेज है देखिए हम ये एलिमेंट एक चेक कर लेते हैं और ये हमारा है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे टू टू ज फोर देन माइनस वन देन माइनस टू वन आया फोर माइनस थ्री एक कोई और रैंडमली चेक कर लेते हैं जीरो वाला चलिए ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं टू माइनस टू जीरो तो आइडेंटिटी का मल्टीपल आने वाला है बेटा बिल्कुल ध्यान रखिए अगर यहाँ पर फाइव सिक्स कुछ आता तो आप अल्टीमेटली सारे ये डायगनल एलिमेंट को वही फाइव और सिक्स लिख लेते और ये जरूर लिख लीजिए दिस इज आइडेंटिटी और इसका पर्पस क्या होता है बेटा इसको आपने ध्यान रखना है अब चेक करें हम कि हमारे ये जो मैट्रिक्स सिस्टम दे रखा है इसमें कोफिशन मैट्रिक्स ए या बी में से कोई है ठीक है चलिए चेक करते हैं कोफिशन मिला के माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर ये तो देखिए फर्स्ट रो से ही पता चल रहा है कि ए होगी फिर भी आप बाकी चेक कर लीजिए कई बार मिस्टेक है पेपर में तो मिस्टेक क्वेश्चन पेपर में कभी भी बच्चों को नहीं करती बेटे बच्चों को हमेशा उसका बेनिफिट दिया जाता है देखिए अभी तो ये ए है पूरी तो दैट मीन्स जो आपके पास आया ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी वहां से आप ए इनवर्स कैच करने लगे हो और वो बिल्कुल यहां पर होगा दूसरी मैट्रिक्स होगी आप ध्यान रखिए तो इनवर्स के लिए ए बी इजक्वल टू बी एजक्वल टू आइडेंटिटी ठीक है यहां पर तो ये आइडेंटिटी आई लेकिन जनरली क्या होता है ये बेटा किसी नंबर का मल्टीपल होता है आइडेंटिटी मल्टीपल तो वो आप जब यहां पर इस केस में अगर आपको चाहिए होता है ए इनवर्स तो आप लिखते वन अपॉन के टाइम्स बी क्विकली सीधा लिखिए अंडरस्टैंडिंग करवा चुके हैं डिटेल पे जिन्होंने डिटेल वीडियो देखनी है बेटा वो पूरी प्ले लिस्ट है वहां जा सकते हो आप ओके ए इनवर्स बी आया अब ये सिस्टम जो है आपका वो आपने लिखना है इवन सिस्टम इन मैट्रिक फॉर्म हम देख चुके हैं कि जो हमारी ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ए है और B हमें कोई दूसरी मैट्रिक्स दी है बेटा तो यहां आपने कभी भी B नहीं लिखना B दे रखा है ऑलरेडी मैट्रिक्स और हमने उसे यूज भी करना है अब A तो हमें ऑलरेडी जो गिवन थी वही है X हमारी कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल की और C हमारी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है राइट वाली वो पढ़ लीजिए माइनस वन फाइव सिक्स माइनस वन फाइव सिक्स राइट अब ए एक्स टू सी सिस्टम है यहां पर आप डिटर्मिनेंट ए निकालना चाहे निकाल लीजिए एक बार कैलकुलेट कर लीजिए वो आपका नॉन जीरो आएगा सिस्टम कंसिस्ट अदरवाइज तो क्योंकि ए इन्वर्स निकल गया तो वो नॉन जीरो है आप उसको भी एक बार यूज करके लिख सकते हो ठीक है डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट हो चुका है आप उसे कैलकुलेट कर चुके हैं और इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो ना हो अब सिस्टम को जो सॉल्व करना है ए एक्स इक्वल टू सी सॉल्यूशन के लिए सिंपली आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हो या सीधा आपने सॉल्यूशन याद रखना हो तो ये रख ठीक है ए इनवर्स इज नथिंग बट बी हियर तो बस बी और सी को आपने मल्टीप्लाई करना था बेटा बी और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए वन टू जीरो माइनस टू माइनस वन माइनस टू जीरो वन वन लेटेस्ट मेरे साइन कुछ है अलग माइनस वन ठीक है माइनस और सी हमारी फर्स्ट मल्टीप्लाई करिए बेटा और आंसर कैलकुलेट कर दीजिए फर्स्ट रो विद कॉलम माइनस वन प्लस टेन नाइन नेक्स्ट जीरो नाइन तेन सेकेंड रो विद दिस कॉलम टू माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन देन लास्ट रो विद कॉलम जीरो माइनस फाइव प्लस सिक्स वन और लेफ्ट में है आपकी कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड जब आपने कंपेयर किया दोनों मैट्रिक्स को तो एक्स नाइन वाई माइनस फिफ्टीन जेड वन ओके चलिए यस yes, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा ए ये मैट्रिक्स दिया स्क्र माइनस सेवन ए प्लस टेन आई थ्री आई थ्री मीन्स आईडेंटिटी मैट्रिक्स इसको आपने नल मैट्रिक्स शो करना था और इसको यूज करके इनवर्स निकालना था इस इसकेंड पार्ट मैक्सिमम ने गलत किया चलिए करते हैं इसको डिस्कस ए स्क्वेयर कैलकुलेट कर लू मैं एक बार ए स्क्र इसी मैट्रिक्स को आपने इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है

ओके okay. अब आप सीधा कंसीडर कर सकते हैं आई थिंक ए स्क्र माइनस सेवन ए प्लस टेन आई थ्री ए स्क्र ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास इलेवन फोर्टीन जीरो सेवन एटीन जीरो 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 ट्वेंटी फाइव सेवन ए मीन इस मैट्रिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करना है बट चलिए एक बार मैं लिख देती हूँ आपको यही पर आप चाहे लिख सकते हैं आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए प्लस टेन इंटू आइडेंटिटी ऑफ थ्री ऑर्डर दैट मीन्स वन जीरो 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 बस आप सात के साथ ही ऑपरेट कर दीजिए अलेवन फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेवन थ्री ज्वेंटी वन प्लस टेन इंटू वन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ साथ कर लीजिए ऑपरेशन भी लगा सकते हैं आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फोर्टीन सेवन टू जॉ फोर्टीन अब ट्रैक्ट हो रहा है टेन जीरो सेवन इंटू जीरो जीरो टेन इंटू जीरो जीरो ही आने वाली है Seven minus seven into one, seven plus ten into zero. 6. Next eighteen minus seven into four, twenty eight plus ten into one, ten. Then zero, seven into zero, zero, ten into zero. Then zero, seven into zero, zero. 10 into 0, 0. Then again, second element 0. 7 into 0, 0. 10 into 0, again 25. 7 fives are 35. 10 ones are 10. Or you can see easily, beta. Even you observe, 11 plus 10, 21 minus 0. 14 minus 14, 0. 7 minus 7, 0. 18 minus 28 plus 10. ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी एट जीरो और ये भी ट्वेंटी फाइव प्लस टेन माइनस थर्टी फाइव ए सभी एलिमेंट आपके गए, that means, okay? ये पार्ट का आपको फर्स्ट फर्स्ट ये हो गया, अब इसको यूज करके आपको ए इनवर्स निकाल वो पार्ट मैं हमने अभी भी मिस किया बेटे अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ए स्क्र माइनस सेवन ए प्लस टेन आई आपके नल मैट्रिक्स आ गए ठीक है अब इसको यूज करके जब आपने ए इनवर्स निकालना है तो आपको इसको एक्चुअली प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है बाय ए ए इनवर्स स्क्वायर हमें पता है बेटा ए इंटू ए होता है मैं ए इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं ए स्क्वायर को भी ब्रेक कर रही हूं ए इंटू ए इसमें मैं यूज करना चाहूंगी ए इनवर्स इंटू ए और ए इंटू ए इनवर्स दोनों आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है नेक्स्ट माइनस सेवन नंबर है मैं मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही करूंगी तो ए इनवर्स सेवन मैंने लिख दिया प्लस टेन अगेन नंबर है ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इन सारे यहाँ आपने यूज करने रिजल्ट बैठा ए इनवर्स ए आपको पता है आइडेंटिटी इंटू ए रह गया अगेन ये इनवर्स ए भी पता है आपको आइडेंटिटी और आइडेंटिटी को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें चाहे हम प्री मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें शर्तें डिफाइंड होना चाहिए ये ऑर्डर उस हिसाब से होना चाहिए तो वही मैट्रिक्स आस इत करें यहाँ पर सब हम दैट विल बी इन ठीक है नल को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें चाहे हम प्री मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें नल से भी मल्टीप्लाई करके नल तो ये राइट right में हो गया नल मैट ठीक है माइनस सेवन आई टेन ए इनवर्स हमने कैलकुलेट करना है ए इनवर्स तो हम ए इनवर्स रहने देते हैं लेफ्ट में हम इन सब को ले गए राइट right में तो ए हो गई माइनस में सेवन आई हो गई प्लस में ठीक है टेन एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इनवर्स के साथ इसको भी जब ट्रांसपोज करेंगे राइट right में तो वन बाय टेन मल्टीप्लाई हो जाए ओके ये आपके मेन स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं इसके बाद तो आपको सिंपली बेटा पुट करना है बस और कुछ नहीं करना सेवन आइडेंटिटी आपकी ये थ्री बाय थ्री ऑर्डर की है जीरो 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 फाइव ठीक है थ्री टू जीरो फाइव बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर दे दीजिए आई होप एक ही स्टेप में कर सकते हैं आप ई okay, भी कर लीजिए यही नंबर लो बाकी नेगेटिव तो होना इन चलिए इनको पहले निकाल लेतेवन माइनस 4 3 डायगनल वाले 7 माइनस फाइव टू डायगनल वाले एलिमेंट बाकी इन सबका नेगेटिव होना है बेटा माइनस टू जीरो तो 0 है वो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव माइनस वन ये आपका जीरो ये आपका जीरो ये आपका जीरो अब चाहे इसे ऐसे ही रखिए चाहे टेन से डिवाइड कर दे फोर बाय टेन मीन्स टू बाय फाइव माइनस टू बाय टेन मीन्स माइनस वन बाय फाइव ये जीरो रह गया माइनस वन बाय टेन, थ्री बाय टेन जीरो 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 टू बाय टेन इज अगेन वन बाय ओके ये पार्ट भी कर लीजिए बेचे अच्छे से प्रैक्टिस ये बहुत से बच्चों ने नहीं किया प्रॉपरली चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो दैट रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव बेटा अवल् तो ये बुक का क्वेश्चन था बट स्टिल आपको अगर नया भी आए टाइप तो हमेशा देखिए जब ये क्लियर कट कह रहे हैं नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव तो आपको एक-एक एग्जांपल -एक एक एक सिर्फ छांट के ढूंढ के लिखना ठीक है देखिए चलिए यहां पर हम बात करें अभी जब नंबर को खुद से छोटे बड़े की बात करनी है स्क्वेयर से तो यहां आपको बेस्ट कहा था रैशनल करो वन बाय टू इज ग्रेटर देन वन बाय टू स्केयर वन बाय टू स्केयर इज वन बाय फोर वन बाय फोर इज स्मॉलर वन बाय टू इज ग्रेटर तो ये आपका स दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो इसमें लैंग्वेज लिखी है उसके अकॉर्डिंग खुद से, चाहिए related. A, A से related होना चाहिए ना रिलेटेड ए ए से रिलेटेड होना चाहिए जबकि यहां आपने एक एलिमेंट किया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता दैट मीन्स वन बाय टू वन बाय टू से रिलेटेड नहीं है बट यहां रिलेशन का नाम एस था बेटा ये चीजें भी ध्यान रखनी है कई बच्चे ये मिस कर गए एस है रिलेशन डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक भी एलिमेंट आ गया आपको जो सेटिस्फाई नहीं करता दैट मीन एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव वन बाई टू आपका रियल नंबर फाइन हो रहे हैं रियल नंबर में हो रहा है ठीक है अब सिमेट्रिक सिमेट्रिक में तो बहुत ईजी था बेटा तो सिमेट्रिक में आप क्लियर कट देखो मैं अगर ले लूँ वन टू ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपको कहा एग्जाम्पल हमेशा सिंपलेस्ट ढूंढ़ी वन टू बिलोंग्स टू एस है एस वन इज लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर बट टू वन है क्या इस रिलेशन में नहीं है बिकॉज टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर टू इज राधर ग्रेटर राइट दैट मीन्स ए बी से रिलेटेड है इस रिलेशन से बट बी ए से रिलेशन नहीं है कई बच्चों ने ये एग्जाम्पल ऐसे बना दिए बेटा तो ए बी बी से रिलेटेड नहीं है हमेशा ध्यान रखिए जब एग्जाम्पल बनाना है नेगेटिव में इफ पार्ट तो आपका होना चाहिए देन पार्ट नहीं हो ठीक है वन टू बिलोंग कर रहा है बट टू वन बिलोंग नहीं कर रहा दैट मीन्स एस एस नॉट एग्जाम्पल केयरफुली देने है आपने आप देखिए थर्ड देखिए जब ना पता हो ना तब सोचना मुश्किल है अभी तो हमें पता है एग्जैक्टली कि हाँ ये नहीं होने वाला तो हमें कोई सिंपलस से सिंपलस हम ऐसे नंबर सोचें जो इफ पार्ट मतलब फर्स्ट सेकंड से कनेक्टेड है सेकंड थर्ड से कनेक्टेड है कनेक्टे कनेक्टे लेकिन फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड नहीं दीन्स चलिए मैं easiest example बोलू, 5, 3 ले लिया बेटे हमने वो S को बिलोंग कर दिया कैसे फाइव हमारा लेस देन इक्वल टू थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है फाइव इज लेस देन नाइन एंड थ्री टू हमारा थ्री लेस देन इक्वल टू टू स्केयर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है टू स्क्वायर इज फोर थ्री इज लेस देन दौर ठीक है बट फाइव टू ये एस में क्लियर कट चेक कर सकते हैं फाइव इज ग्रेटर देन टूर फोर राइट आप जो भी लिख सकते हैं फाइव नॉट लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर और फाइव ग्रेटर देन है, नहीं है आपने कर दिए, भी भी नहीं नहीं है, है, यस okay? yes. इसके ऑप्शन में ये था बेटा रिलेशन फंक्शंस में यही एक्सपेक्टेड था या इक्विवेलेंस रिलेशन का पूछा जाएगा या वन वन ऑन का पूछा जाएगा अब आपको कहा है चेक वेदर ए फ अब यहां आपको नहीं क्लियर कट बोल रखा आपको अब चेक करना था तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं बेटा हम दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन में डोमेन कहा ए आर कैसे कि इनके लिए इमेजेस इक्वल है यही करते हैं एफ एक्स इज टू एफ वाई और हम चेक क्या करना चाहेंगे एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है या नहीं अगर आ रहा है तो वन वन है अगर नहीं आ रहा तो वन वन नहीं है एफ एक्स क्या है बेटा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र एफिनेशन अप्लाई की हमने एफ वाई क्या है वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्र अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x इंटू वन प्लस वाई स्क्र इस y इंटू वन प्लस ठीक है इनको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस एक्स वाई स्क्र और ये भी आपने खोला तो y प्लस वाई एक्स स्क् ठीक है इन सबको मैं एक ही साइड ले आती हूँ x y को भी जब इधर ले आए माइनस वाई और y एक्स स्क्र को भी जब इधर ले आए तो वाई एक्स नेगेटिव क्या बेनिफिट होगा x माइनस वाई एक एक्सप्रेशन यहां से और यहां से आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे रह जाएगा y माइनस एक्स ओके x माइनस वाई ये अगर एक टर्म काउंट ये दूसरी x माइनस वाई मैं कॉमन ले सकती हूँ यहां से रह जाएगा वन बेटा और यहां से क्योंकि ये y माइनस एक्स है माइनस ठीक है तो दो का प्रोडक्ट जीरो कब होता है चाहे ये जीरो हो वन ऑफ दिस जीरो चाहे ये जीरो ठीक है लेकिन एग्जैक्टली exactly ये जीरो है ये तो आप नहीं कह सकते ठीक है थीके? कोई और ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई तो यहां से क्या आया एक्स वाई के इक्वल है और एक्स वाई का प्रोडक्ट वाई के इक्वल है मतलब एक कंडीशन तो कह रही है एक्स वाई के इक्वल है दूसरी कंडीशन कह रही है वाई वन बाय एक्स है तो दो वैल्यूज आ गई ना दो वैल्यूज आ गई आपकी दैट मींस एक आनी चाहिए थी ये आना चाहिए था सिर्फ दो आ गई तो एफ इज नॉट वन वन ओके नॉट वन वन जब दो आ गई अब ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे हम एक एलिमेंट लेते हैं रेंज का सॉरी को डोमेन का रेंज तो भी हमें पता को डोमेन का कैसे लेते हैं कि हो ठीक है है क्या राइट अब यहां से हम कोशिश करते हैं बेटा x को निकालने की x को निकालने की जब कोशिश करेंगे यहां देखिए कैसे करेंगे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आप ये जब आप खोलेंगे तो ये y प्लस वाई एक्स स्क् हो गया मैं इसको एक्स स्क्र में कंप्लीट क्वाड्रेटिक लिख सकती हूँ ना Y इंटू एक्स स्क् माइनस एक्स इस एक्स को इधर ले गए माइनस एक्स प्लस वाई स्कूल एक्स स्क्र में क्वाड्रेटिक हो गई ना ये तो x यहां से मैं कैलकुलेट कर सकती हूं माइनस बी बी इज माइनस वन प्लस माइनस स्क्र रूट बी स्क्र माइनस वन स्क्र दैट मीन वन माइनस फोर ए ए एज सी फोर वाई राइट डिवाइडेड बाय टू ए ए एज एक्स की ये वैल्यू आ गई अब एक्स को हमें चेक करना है बेटे आर में होना चाहिए आर में होने के लिए देखिये यहाँ पर क्या कंडीशन है यहाँ पर जो आपको कंडीशन मिल रही है स्क्वेयर रूट में वन माइनस फोर वाई स्क्र मिल रहा है अगर ये वन माइनस फोर वाई स्क्वेयर पॉजिटिव है तो तो आर में होगा ये क्योंकि तो ये, ये रियल नंबर ये रियल नंबर यहाँ पे भी रियल नंबर आएगा तो बिल्कुल आर में होगा लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा हमें चाहिए एक्स आर में इसके लिए हमें चाहिए वन माइनस वाई स्क्र शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब यहां पर क्वाड्रेटिक है मैं वेवी कर्व यूज कर सकती हूँ माइनस फोर में कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y 4, than equal to 0, या यूं हमें चाहिए होगा माइनस वन बाई टू इंटू वाई प्लस वन बाई टू कर सकते माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला यूज करके ये नेगेटिव हटाना चाहती हूँ तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो राइट वेवी का मेथड क्या कहता है आपका इसका जीरो हाफ इसका जीरो माइनस हाफ ये माइनस हाफ ये हाफ वाई वाई का कोपिशन पॉजिटिव लास्ट पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव तो वाई इसमें होगा बेटा दिस इंप्लाइज वाई बिलोंगिंग टू इक्वल टू जीरो भी है क्लोज इंटरवल माइनस वन बाई टू वन बाई टू राइट दैट मीन्स रेंज जो है आपकी इस रिलेशन की सॉरी फंक्शन की रेंज हमारी माइनस वन बाय टू वन बाय टू दैट मींस को डोमेन के इक्वल आग वाई यहां से भी आप कह सकते थे ये भी कह सकते थे वाई यही तो यही तो आपका को डोमेन है आ गया जिसमें था ज अब कोडोमिनका नहीं था यह फंक्शन बट ऑन टू ओके नो डाउट किया है, जहां की है वो ध्यान रखिए बेटा यस फाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन टू एक्स प्लस टू द एक्स एक्स एंड ऑर्डिनेट एक्सल टू माइनस वन एंड एक्स बहुत इजी लगा बेटा देखने में सबको ये बहुत से बच्चों ने फिगर के बिना ये को पहली बात तो बेटे फिगर के बिना एरिया को क्वेश्चन तो चेक नहीं ठीक है ये फिगर आपकी होगी तभी तो एरिया आप चेक कर पाओगे कहाँ से कहाँ लिमिट है दूसरी बात अगर फिगर बनाते हैं तो कहाँ गलती कर रहे हैं वो समझ देखिये वाई स्कूल टू थ्री एक्स प्लस टू इज सिंपल टू ड्रॉ आपने सिंपल लाइन पर कोई भी दो पॉइंट लेने होते हैं आपने वो दो पॉइंट ले लिए और लाइन ड्रॉ कर दी ठीक है अब आपको एक्स जीरो लिया एक हमने तो लाइन आ गया वाई टू एक्स वन लिया पॉइंट आ गया फाइव लाइन ड्रॉ हो गई इजलिए ठीक है एक्स एक्सेस ये आपका ओके उसके बाद आपके ऑर्डिनेट्स की बात की x इक्वल टू माइनस वन ये ऑर्डिनेट x इज टू वन ये ऑर्डिनेट ठीक है इन सब से घिरा हुआ ए, ए, लाइन ऑर्डिनेट्स और एक्स। अब यहां आप देखते हो ये आपका पूरा एरिया एक्सिस के अपार बिल्कुल पॉजिटिव है पर फ़िगर बनाते तो समझ आ जाता कि कुछ एरिया नीचे भी आ रहा है और आई एम श्योर फिगर जिन्होंने नहीं बनाई उनको ध्यान नहीं आया फिगर बनती तो नीचे आया है वो एरिया में मॉडल वो मॉडलस में होना है यहां पर जब एरिया आप निकालते आपसे रिक्वायर्ड एरिया जो पूछा है वो बिल्कुल दो पार्ट्स में है और डेफिनेटली हाँ ये पॉइंट भी निकालोगे आप इसको भी आप मिस नहीं करोगे इस पॉइंट में आपको क्लियर कट किए तो देख ही रहा है वाई जीरो है वाई जीरो पुट करना है सिर्फ आपने यहाँ पर x तो आपके पास आ जाता है माइनस टू बाय पॉइंट आपका जो चाहिए आपको जहां पर लोअर और अपर पार्ट डिफरेंट हो रहा है एरिया का वो तो माइनस टू बाय थ्री जीरो है तो आपका एरिया जो डिफाइंड होना था बेटा बिल्कुल माइनस वन से स्टार्ट होना था बट पहला यहां माइनस टू बाय थ्री तक जो एरिया था आपने वाई डी एक्स से लेना था नो डाउट ये मॉडुलस में रखना था एक्स एक्सिस के लोअर और वाई एक्सिस के लेफ्ट ये जो एरिया जहां आते हैं आप उसको लोअर में रखते हैं जब वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं यहां तो अभी हम एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं डोंट थिंक कि ये भी हमने है, ये नहीं लेना अभी एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट करें लोअर वाला हमने मॉडुलस में लेना है बाकी जो था माइनस टू बाई थ्री से वन वो एस सच लेना दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट से हुई है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपकी इस लर्निंग के लिए बेटा जरूर करना हुआ ठीक है तो बस बाकी तो सिंपल था वाई आपने पुट किया 3x plus 2 और जो किया भी है मैक्सिमम ने बट बस यहीं पर मात खा गए बेटा आप कि ये नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है इसका मोडुलस लें पाई आपका 3x plus 2 के जब तक आप कैलकुलेट नहीं कर लोगे इसे पूरा नंबर नहीं आ जाएगा इसको मॉडल को आप रखोगे साथ में x का इंटीग्रल एक्सर बाय का इंटीग्रल x यहां आपकी माइनस वन टू माइनस टू बाय थ्री मॉडल में रखिए इसे यहां सेम इंटीग्रल एक्स बाय टू एक्स और यहां लिमिट माइनस टू बाय थ्री वन यहां कोई मॉडल नहीं ठीक है अब इसको कैलकुलेट करें मेरा तरीका जो है मैं टर्म्स को करती हूँ थ्री बाई टू कॉमन ले लिया एक्स पुट किया पहले अपर लिमिट माइनस टू बाई थ्री स्क माइनस माइन स्वयर यह हो गया फर्स्ट पार्ट प्लस टू अपर लिमिट एक्स के लिए माइनस टू बाई थ्री माइनस ठीक है ये पूरा मॉडुलस जब तक एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं होता मॉडुलस में रहे ये विदाउट मॉडुलस है थ्री बाय टू वन रखा पहले अपना लिमिट माइनस माइनस टू बाय थ्री होल स्केयर है ये नेगेटिव पॉजिटिव की भी गलतियां अभी तक बहुत से बच्चों से हो जाती हैं बेटा और बिल्कुल जल्दी की ये मिस्टेक्स हैं थोड़ा सा इसलिए कहते हैं लास्ट में टाइम अपना जरूर सेव करके रखना होता है कि हम चेक कर लें ठीक है अब इसको हम कैलकुलेट कर लें बेटा दिस इज थ्री बाय टू फोर बाय नाइन वन प्लस आराम आराम से करिए क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही ही होती है बेटे माइनस बाय मॉडुलस मॉडुलस मत भूल जाना है स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ये भी प्लस हो गया प्लस टू ये वन नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव यहां सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बेटा एग्जैक्ट आंसर ऐसे वालों में बहुत कम बचे चलिए ये हुआ देखिए फोर माइनस नाइन एल्सियम लिया माइनस फाइव बाई नाइन माइनस फिफ्टीन बाई एटीन ठीक है इसे भी कैंसिल कर सकते हैं हम चलिए और ये हमारा हुआ एल्सियम लिया वन बाय थ्री तो टू बाय पर फाइव बाय नाइन यहाँ पर हम थ्री से काउंट कर लें

नॉर्मल रखते हैं आप तो माइनस वन बाय सिक्स आंसर गलत आता अभी डेनोमिनेटर सेम ट्वेंटी सिक्स बाय सिक्स वो तो आपने कट कर कट कर दिया थर्टीन बाय थ्री ठीक है तो ये एरिया जो आपको मॉडुलस में रखना है ये स्टेप ठीक है वैल्यू ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ ए डॉट बी एंड मैग्निट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड आपको दो वैक्टर्स दिए हुए बेटे जनरल प्रूफ नहीं मांगा था यहाँ पर जो कुछ बच्चों ने कर दिया यहाँ पर जो गिवन वैक्टर्स है उनके लिए आपको ये वैल्यू निकालनी है ये वैल्यू निकालनी है देन इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करना है तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए ठीक है तो आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो लग रहा है आपको ज्यादा वैल्यूज या वर्ड प्रॉब्लम भी होती है मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लिया या? वरना मिस कर जाते हैं कुछ हम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट जो हमसे पूछा है कोई पार्ट उसका मिस कर जाता तो मैं ये जब प्रूफ करना है तो मैं मैग्नीट्यूड ए ही निकाल लू पहले मैग्नीट्यूड ए क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्केयर वाई कॉम्पोनेट्स केयर

प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी दैट मीन थर्टी ओके नाउ डॉट डॉट ए बी क्या होगा बेटा ए डॉट बी होगा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना वन इंटू टू एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ वरना बिल्कुल आप मेंटली से कैलकुलेट कर सकते हैं टू इंटू माइनस थ्री सिक्स प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स अलेवन तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्योंकि ये ही है, होती है तो इसका एक तरीके से आप मॉडुलस काउंट करेंगे अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए यहाँ तो पॉजिटिव ही है ठीक है नाउ ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी आप निकालते हैं बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म में फर्स्ट रो आईजे के ए के कंपोनेंट वन टू थ्री बी के कंपोनेंट टू माइनस थ्री फाइव नाउ आई कंपोनेंट टू इंटू फाइव टेन माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री टेन प्लस नाइन नाइनटीन लिख चलिए आप माइनस जे दिस विल बी फाइव माइनस फाइव माइनस सिक्स प्लस के माइनस थ्री माइनस ये क्या हो गया नाइनटीन आई माइनस वन प्लस हो गया के भी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिस विल बी

Magnitude of a dot b whole square plus magnitude of a cross b whole square. This will be 11 square. This will be square root of 411 square. That means 121 plus 411. That means 530. Okay. Now magnitude of

जो तो आपको वेरीफाई करने को कहा था वो वेरीफाई हो गया आपने लेफ्ट साइड निकाली पहले 532 और राइट right साइड निकाली दिस इज आल्सो 532। वेरीफाई जो हमें करना था वो वेरीफाई कर दिया ठीक है टू रिमेम्बर बेटा जब आपको एग्जैक्ट प्रूफ मांगा है तो प्रूफ दीजिए बट यहां ए बी फैक्टर्स के लिए वेरीफाई करना था तो वेरीफाई करें ठीक है अपने आप प्रूफ मत दे दीजिए बी केयरफुल ऑलवेज क्वेश्चन क्लियर कट पड़ी ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर दट